नमस्कार दोस्तों, आपको अपने यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फिल्म को लेकर के 2021 में ऋतिक रोशन ने अपने जन्मदिन पर फैंस को इशारा दिया था, तब उन्होंने क्रिश का मास्क दिखाया था। हालांकि इस बीच ऐसी चर्चा थी कि राकेश रोशन ने के स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के कारण के शो में देरी हो रही है, लेकिन अब सिद्धार्थ आनंद ने इस अनिश्चितताओं पर विराम लगा दिया। उन्होंने पुष्टि कर दी कि क्रिश फोर पर कार्य चल रहा है। ऋतिक रोशन के साथ साथ फाइटर वार और बिग बैंग में कार्य कर चुके डायरेक्टर ने अब एक पोस्ट में जवाब के देने के जरिए उन्होंने बताया कि क्रिश फोर वापस आ रहा है। आपको बता दें कि सिद्धार्थ ने जवाब दिया हाँ वो आ रहा है। आपको बता दें कि सिद्धार्थ आनंद ने राकेश रोशन की जगह सिद्धार्थ आनंद की पुष्टि के बाद ये चर्चा चल रही थी कि क्रिश फोर को डायरेक्टर के तौर पे उन्होंने राकेश रोशन की जगह ले ली है। अगर ये सच साबित होता है तो ऋतिक और सिद्धार्थ की ये चौथी फिल्म होगी। 2025 में शुरू हो जाएगी क्रिश फोर की शूटिंग। इससे पहले ये रिपोर्ट आई थी कि ऋतिक रोशन ने वार टू की शूटिंग के साथ क्रिश फोर के लिए भी तैयारी शुरू कर दी है। अपने पिता राकेश रोशन अपने पिता राकेश रोशन के साथ साथ उन्होंने सेक्शन, हालांकि अभी तक फिल्म के प्लॉट में आग लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन समझा जा रहा है क्रिश फोर में सुपर हीरो अंतरिक्ष की यात्रा भी करेगा। बताया जा रहा है कि 2024 में जहां क्रिश फोर की प्री प्रोडक्शन काम पूरा कर लिया जाएगा, वहीं 2025 में इसकी शूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। क्रिश फ्रेंचाइजी की शुरुआत 2003 में रिलीज फिल्म कोई मिल गया से हुई थी। इसके बाद 2006 में क्रिश फिल्म और 2013 में किस रिलीज हुई, जिसमें ऋतिक और प्रियंका के साथ साथ कंगना रनावत और विवेक ओबराय भी शामिल थे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ नई जानकारी से, तब तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।